बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माहाना मुनाफा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आज बेहतरीन वीडियो है। वो लोग जो अपनी सरमायाकारी के ऊपर शानदार माहाना मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स के हवाले से बात करेंगे, जहां आप अपनी सेविंग्स के ऊपर इस्लामिक सेविंग प्लान्स के तहत माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं बता दूं कि आज की वीडियो में NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड्स की बात करूंगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड्स इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माहाना मुनाफा देने वाला फंड्स बन चुका है, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है लोगों की तरफ से। मैंने सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर दूं और आपको बताऊं कि अगर आप अपनी सरमायाकारी के ऊपर इस्लामिक असूलों के ऊपर ज़्यादा माहाना मुनाफा चाहते हैं तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इसके मुकम्मल फ़ीचर्स की बात करूंगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, और इसके अलावा आपको ये चीज़ बता दूं कि इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लिक्विड फंड है, यानी कि जब चाहें आप सेल कर दें। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे साल का इंतज़ार करना है, 6 महीने का इंतज़ार करना है। आप चाहें तो इसको 15 दिनों के बाद फौरी तौर पर सेल करके अपने पैसे उसी वक्त हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सरमायाकारी है जनाब। इसके ऊपर वीडियो मौजूद नहीं है और मैं कंप्लीट एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ आपको। आपने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। इसका प्रॉफिट रेट बताऊंगा, प्रॉफिट रेट कन्वेंशनल बैंकिंग से भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रेट और माहाना बुनियाद पर प्रॉफिट मिलेगा। तो वो लोग जो माहाना मुनाफा के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इस अकाउंट को ओपन करवाने पर आप घर बैठे ना सिर्फ सरमायाकारी कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे अकाउंट भी ओपन अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और आपको बैंक विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल तरीक़ाकार और मुकम्मल फ़ीचर्स के साथ आज की ये वीडियो आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल हसन बिलाल चौधरी लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले इसकी मुकम्मल ओवरव्यू देता हूँ आपको, और आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप शायद वो तरीक़ाकार, वो मेथड मिस कर दें कि किस तरह इस अकाउंट को ओपन करवाना है, इसका प्रॉफिट रेट कितना है। चूज़ द फंड इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न माहाना आमदनी रेगुलर इनकम ऑन योर सेविंग्स, प्रिजर्व योर सेविंग्स एंड कीप दैम लिक्विड, बी एबल टू विदड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी और प्रॉफिट रिडक्शन। इसके तीन तो बड़े फ़ायदे उन्होंने पहले ही बता दिए कि माहाना प्रॉफिट मिलेगा आपको आपकी सेविंग के ऊपर, उसके अलावा आप जब चाहें इसको सेल आउट कर सकते हैं, जब चाहें अपनी लगाई हुई सरमायाकारी को निकाल सकते हैं, और आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, और आपको प्रॉफिट के अंदर भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। इसकी इन्वेस्टमेंट का जनाब मकसद क्या है? NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड एम्स टू प्रोवाइड मंथली इनकम टू इन्वेस्टर्स बाय इन्वेस्टिंग इन शरिया कंप्लेंट मनी मार्केट एंड डेप्ट एवेन्यूज़। भाई वो लोग जो शरिया कंप्लेंट के तहत, यानी कि इस्लामिक सरमायाकारी उसूलों के तहत प्रॉफिट चाहते हैं, उनके लिए ये फंड्स बनाया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और अबाउट द फंड, आर यू लुकिंग फॉर वेज टू बूस्ट योर मंथली इनकम? वेदर यू आर रिटायर्ड और वर्किंग, देर आर नेवर बीन अ बेटर टाइम टू मेक मनी थ्रू अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ टर्न्ड मीटिंग मंथली एक्सपेंसिस इन टू अ बिग चैलेंज। वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं या फिर तलाश में है कि भाई कोई अच्छी सी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो भाई उनके लिए ये है ताकि वो अपने माहाना अखराजात को मैनेज कर सकें। देयर फॉर NBP फंड्स प्रेजेंट टू यू NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फंड, अ शरिया कंप्लेंट इनकम फंड विच पुट्स योर हार्ड अर्न मनी टू वर्क एंड अर्न माहाना आमदनी फॉर यू। द फंड इन्वेस्ट इन हाईली लिक्विड low risk sharia compliant fixed income securities such as bank deposit sharia compliant debt instrument। पाकिस्तान का सबसे सिक्योर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर इस्लामिक असूलों के ऊपर माहाना प्रॉफिट मिलेगा, और इसके साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब है कि जब चाहें आप अपना प्रॉफिट भी लें, अपनी इन्वेस्टमेंट भी पकड़ें, और लो रिस्क है शरिया कंप्लेंट के ऊपर, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड भी है। इसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात करूंगा। ओपन करवाने का तरीका क्या है और किस तरह घर बैठे ओपन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओपन करवाने के लिए, और बाद में फिर इसका प्रॉफिट रेट बताऊंगा। और प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है जनाब। ये नहीं समझना कि इस्लामिक है तो प्रॉफिट रेट कम है, प्रॉफिट रेट आपको बाकी बैंक से भी बेहतर मिलने वाला है। और बताऊँगा कि अगस्त के अंदर कितने लोगों ने कितना प्रॉफिट हासिल किया। लॉन्च डेट जनाब ये 2018 में आया था, और इसके अलावा अब तक इस फंड के अंदर 8,874 मिलियन के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं। ये 8,874 समझ लें कि 8 अरब के करीब मालिक बनती है, और ये 31 अगस्त 2023 के फिगर्स आपको बता रहा हूँ।
कैटेगरी ओपन एंडेड शरिया कंप्लेट इनकम फंड है, मीडियम प्रिंसिपल मीडियम रिस्क है इसके अंदर। इसके अलावा इसका डीलिंग टाइम यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डीलिंग टाइम जनाब ये है कि आप इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई इस्लामिक ब्रांच विजिट करें और 9 बजे से लेकर 5, 5:30 तक आप मंडे टू थर्सडे उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। इसमें ये नहीं है कि इसको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है बैंक ने ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है जनाब कम अज़ कम वो 10,000 की है और एक यूनिट जो है वो 1 लाख से भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ फीसीज हैं, माइनर सी फीसीज हैं, 1.5 नेट इनकम है और मिनिमम 0.2 जो है वो पर एनम के हिसाब से कटौती की जाती है, लेकिन ये कोई इनकम। इसके अलावा आपको लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज दी जाती है, तकाफुल प्लान इसमें दिया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3% अमाउंट ओवर एंड अबव 5 मिलियन एंड अप टू 50 मिलियन 1% अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 50 मिलियन लोड विल बी चेंज ऑन रुपीज़ 5, यानी कि 5 मिलियन तक की आपको जो है वो यहाँ पर इंश्योरेंस भी दी जा रही है। फंड स्टेबिलिटी क्या है जी, पैकरा के थ्रू है, लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि PSE के अंडर ये काम कर रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसको ऑन करता है। बेंचमार्क क्या है जी, 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट्स ऑफ 3 A-rated इस्लामिक विंडोज ऑफ कन्वेंशनल बैंक एज सेलेक्टेड बाय मुफाप। ये बता दूं कि जनाब ये जो है वो A-rated के अंदर आ रहा है, फंड मैनेजर जो है इसमें नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा एसेट मैनेजर रेटिंग वगैरह सारी कुछ यहाँ पर वाजिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले आपको इसका प्रॉफिट रेट बता देता हूँ ताकि आप इसको समझ भी सकें। यहाँ पर देखें जी, रिबा फ्री इसका है और यहाँ पर बताया जा रहा है जी, महाना आमदनी हर महीने का आखिर में इन्वेस्टर्स अर्न 19.2% पर एनम प्रॉफिट इन अगस्त 2023। जनाब जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने अगस्त 2023 तक 19.2% के हिसाब से प्रॉफिट, यानी कि 1 लाख के ऊपर 19,200 का मुनाफा हासिल किया है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो जनाब इससे फ़ायदा उठाना है आपने, बिल्कुल मिस नहीं करना इस अपॉर्चुनिटी को। इसकी कैलकुलेशन एंड पे बताने वाला हूँ आपको कि कैलकुलेशन के थ्रू आप ले 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा इसके बाकी फीचर्स कौन कौन से हैं वो भी सुन लें आप। बेनिफिट्स एट ग्लैंस हैं जी, बेटर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर सेविंग ऑप्शन, महाना आमदनी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट एट मंथ एंड, महीने के आकर आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया एडवाइजरी बोर्ड इंक्लूडिंग डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद नवीद आलम एंड मुफ्ती एहसान वकार के तहत ये अंडर काम कर रहा है। विदड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी और प्रॉफिट डिडक्शन, कोई मुनाफा या आपकी सरमायाकारी के अंदर कटौती नहीं की जाएगी, जब चाहे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सरमायाकारी भी निकाल सकते हैं। अवेल ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज ऑफ अप टू 50 लाख, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर ये मैं आपको बता चुका, अगर आप ये सहूलियात देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत आपको कटौती करवानी पड़ेगी और आप जो है वो सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जनाब मुकम्मल फीचर्स हो गए और इसके फ़ायदे। वैल्यू एडिड सर्विस में क्या मिल सकता है आपको, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है जो फौरी तौर पर आपसे रबते में रहेगा, फौरी तौर पर आपको रहनुमाई देगा। ATM डेबिट कार्ड टू एक्सेस योर सेविंग्स, ATM डेबिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। रियल टाइम एक्सेस फैसिलिटी थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है फंड्स की, जिसमें पता चलता रहे भी आज कितना प्रॉफिट, क्योंकि इसमें रोजाना की बुनियाद पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दिया जाने वाला है। ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज ऑफ अप टू 50 लाख, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये बता चुका हूँ। अब वो लोग जो तलाश में थे, सेव्स एंड इन्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक गोल्स, हैव रेगुलर मंथली इनकम, सेव फॉर योर रिटायरमेंट, ग्रो वेल्थ इनटू द लॉन्ग टर्म, कीप योर कैपिटल प्रिजर्व विद अट्रैक्टिव रिटर्न, फाइंड द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन ऑफ योर सेविंग, ये तमाम सहूलियात आपको इस अकाउंट के तहत मिल सकती हैं। जनाब ये तो होगी सारी बातें, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर फंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी आप इनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी मजीद रेट्स वगैरह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वाजिया है। इस वक्त जो इसका रेट चल रहा है जनाब 10.7349 और रिडम्शन जो है वो 10.6150। ये डेली अपडेट हो रहा है, 2 तारीख का अपडेट कर दिया है कल का, और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख सकते हैं भाई कितने में आपने ख़रीदना है, कितने में बेचना है, क्या प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी गई है बैंक की तरफ से। अच्छा, इन्वेस्ट नाउ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर आपके पास कौन सी ऑप्शन है ये सुन लें जनाब। इस अकाउंट को ओपन किस तरह करवा सकते हैं, स्मार्ट डिजिटल तरीके से ओपन करवा सकते हैं आप इसको, सहूलत सरमायाकारी अकाउंट के तहत ओपन करवा सकते हैं आप, पेपर बेस्ड यानी कि ब्रांच विजिट करके ओपन करवा सकते हैं, और अगर कोई बड़ी कंपनीज हैं जो कारोबारी लोग हैं वो ओपन करवाना चाहें तो उनके लिए अलग से ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले स्मार्ट डिजिटल अकाउंट किस तरह ओपन होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फॉर्म में आपने 10,000 की कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पर कोई पाबंदी नहीं। इन्वेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, कंप्लीट एक्सेस टू वैल्यू एडिड सर्विस, नो लॉग इन पीरियड, विदड्रॉ योर इन्वेस्ट विद ईज,
यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस दी जा रही हैं। इन ऑप्शंस को मैं अभी आपको बताता हूं पूरा पढ़। भाई यहां पर ऑप्शंस आपको मिलेंगी कुछ, कॉपी ऑफ सीएनआईसी नाइकोप, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, प्रूफ ऑफ इनकम सोर्स ऑफ फंड्स, ज़कात सर्टिफिकेट, सिग्नेचर कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, अदर्स एज पर केवाईसी यानी कि नाउ योर कस्टमर, एएमएल रिक्वायरमेंट एंड एज नोटिफाइड बाय एनबीपी फंड्स। ये चीज़ें आपने अपने पास रखनी है जब ये अकाउंट ओपन करवाना है, और डिजिटल ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी, नाइकोप है आपके पास कार्ड है या सीएनआईसी का है, यहाँ पर सीएनआईसी का फॉर्मेट दिया है। फिर आपने अपना नंबर देना है किस कंपनी का है, वो कंपनी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर 92 और आगे 3 जो भी आपका नंबर है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी देंगे तो फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपने दे देने, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा अगर सहूलत सरमायाकारी के तहत आप ओपन करवाते हैं जनाब अकाउंट, तो सहूलत सरमायाकारी में ये है जी, सबसे पहले शनाख्ती कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और ओटीपी आपने सेंड करना। दूसरे स्टेप के ऊपर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपके पास अपने बिजनेस का कार्ड है या फिर आप जॉब होल्डर हैं, सैलरी स्लिप है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ज़कात अगर डिडक्ट नहीं करवानी उसकी आप सर्टिफिकेट जमा करवा, जिसको CZ50 फॉर्म बोलते हैं। तीसरी ऑप्शन जनाब आपके पास ये है कि आप ब्रांच विजिट कर लें, ब्रांच विजिट करने पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, जो साथ लेके जाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और वो आपने लेके जाने हैं, वही चीज़ें हैं जैसा कि आपने अपना देना है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा होगा। उसके अलावा आपने जो है वो यहाँ पर मैं आपको बल्कि एक दफ़ा रहनुमाई कर देता हूँ आपको सेविंग इस्लामिक फंड्स के हवाले से, और यहाँ पर जो चीज़ें आपको दरकार हैं वो आप देख लें। और इसके ऊपर बुकलेट मौजूद है, बुकलेट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, और बुकलेट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी मुकम्मल ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जनाब। ये फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसके अलावा जो जो चीज़ें आपको दरकार हैं यहाँ पर मुकम्मल चीज़ें लिखी हुई हैं, अपना नाम, CNIC, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपने ATM लेना है नहीं लेना, आपने जो है वो म्यूचुअली ओपन करवाना है या वाहद मलकीती ओपन करवाना है, कितने प्रॉफिट के ऊपर ओपन करवाना है, कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर ओपन करवाना है, शरिया कंप्लेंट के ऊपर ओपन करवाना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हो गया मुकम्मल तरीक़ाकार जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ जनाब कि आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है 19.2% के हिसाब से, और टैक्स की डिडक्शन क्या है और ज़कात वगैरह का क्या हिसाब है। जनाब ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोगों को पता है जी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है या फंड्स को कैसे चलाया जाता है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। तो आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूं, और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको मुकम्मल रहनुमाई दूंगा। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जैसे ही रेट अप हुए हैं आप किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, बैंक में जाकर अपनी सरमायाकारी निकलवा सकते हैं, और फिर उसके अलावा जितना प्रॉफिट आपको जितने दिनों का मिला होगा वो भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 1 लाख की डिनोमिनेशन के ऊपर जनाब मैं आपको बता देता हूँ 19.2 और तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर, तो ये आपके पास आ गए 19,200 रुपया। और 19,200 के ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% के हिसाब से कटौती, नॉन फाइलर हैं तो जनाब 30% के हिसाब से कटौती हो जाएगी। तकसीम कर देता हूँ 12 के ऊपर, तो महाना बुनियाद पर आपको 1600 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पर इन्वेस्ट करना। और ये कम अज़ कम प्रॉफिट है जो कि अगस्त के महीने में हर इन्वेस्टर को मिला है NBP फंड्स के थ्रू। इसका प्रॉफिट जो सितंबर में है वो सुनने में आया है तकरीबन 20% के करीब गया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखें कितनी बड़ी है, 8,874 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो कि 9 अरब रुपए के करीब बन रही है ये इन्वेस्टमेंट, और ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है लोगों की, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तमाम देखने वाले जो नई इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, जो नए महाना मुनाफा की तलाश में हैं, उनके लिए बेहतरीन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, तमाम देखने वालों से दरख्वास्त, चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।